हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूँ। टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाली एंट्री कहाँ पर पास करी जाए क्रेडिट नोट पर, हालांकि मैं पहले से भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो वापस से क्रेडिट नोट के ऊपर है और ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम वो एंट्री पास करेंगे जिसमें हम क्रेडिट नोट में एंट्री पास करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ पूरी जानकारी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। टैली प्राइम के अंदर जब कभी भी हम इस तरह की एंट्री करते हैं, जैसे कि हम कोई सामान रिटर्न करते हैं, तो देखिए रिटर्न करेंगे तो जाएगा कहाँ, जाएगा होलसेलर पार्टी के पास। तो जो होलसेलर पार्टी एंट्री अपने यहां पास करती है वो एंट्री किसमें जाती है, वो एंट्री जाती है आपकी क्रेडिट नोट में, ठीक है। तो यहां से भी अब पहले देख लेता हूं कि हमारे पास यहां पर एंट्रीज मौजूद है पहले से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेल किया गया है और सेल करने के बाद अगर कोई सेल्स रिटर्न आता है, जैसे 2 ही किलो चावल सेल किया गया, अगर इसको रिटर्न कर दिया जाए तो ऐसे में क्रेडिट नोट में एंट्री पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कैसे ये एंट्री पास करी जाएगी। बी बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट तो नजर नहीं आएगा, तो यहाँ से अदर वाउचर पे चले चलिएगा, यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट नजर आ जाएगा। तो ये क्रेडिट नोट है, शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F6, तो आप ऑल्ट F6 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब वो क्रेडिटर पार्टी है कौन सा, और जैसे ही आप क्रेडिटर पार्टी बोलते हैं वैसे ही मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देते हैं और वहीं पर हो जाती है सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि क्रेडिट नोट में आएगा डेटर पार्टी का लेजर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो रिटर्न करेगा उसका यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर किसका नाम मैं लगाऊंगा, जैसे अविनाश डी है तो इन्हीं का नाम मैं डालता हूँ, यहाँ पे एंटर करते हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सेल्स अकाउंट आ जाएगा और बाकी क्या रिटर्न हो रहा है ये देखने वाली बात है। जैसे राइस है तो राइस रिटर्न हो रहा है और राइस की मेन लोकेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 10 किलो था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, क्वांटिटी कितनी है 10 किलो है, तो यहाँ पे 2 किलो रिटर्न करूंगा तो अब कितना हो जाएगा, 2 किलो रिटर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 किलो रिटर्न किया, अब रिटर्न कर दिया, और देखिए रिटर्न करने के बाद यहाँ CGST SGST पहले से लेजर क्रिएटेड है, तो यहाँ CGST भी आ जाएगा और SGST भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल के इसको आप चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नरेशन डाल देते हैं, द गुड्स हैव बीन लिखेंगे रिटर्न्ड, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहां पर आएंगे बाहर और यहां पर आएंगे लाइक स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे यहां पर लाइक मैं आपको दिखाता हूं, सपोज कीजिए ये वापस से एंट्री पास करते हैं, अब यहीं पे दिख जाएगा आपको। अब वापस से क्या करेंगे, अगर यहां पर डेटर पार्टी जो है इसका लेजर लगाते हैं, एंटर करते हैं, आप देखिएगा यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये सेल्स अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर रिटर्निंग की बात अगर वापस से आती है, जैसे हमने क्या रिटर्न किया था, हमने रिटर्न किया था राइस, तो यहाँ पे देखिए राइस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रिटर्निंग के बाद क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चला जाएगा किसके पास, क्रेडिटर पार्टी के पास चला जाएगा, ठीक है। और रिटर्न किसके द्वारा किया गया, डेटर पार्टी के पास, तो ये याद रखिएगा, ठीक है।